तो बोले यार वो आपका लोएस्ट रेटिंग आई तो आपकी ना पीआईपी का बात होगा। मैं पीआईपी में घबरा गया। पीआईपी हाय गाइस, वेलकम टू क्रेजी क्लाउन्स। कैसा चल रहा है आजकल ऑफिस में काम धंधा? काम धंधा ठीक ही कहूँगा, ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से पूरा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ कुछ थोड़ा ना डाइवर्ट हो जा रहा हूँ कभी कभी, मतलब पूरा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। अच्छा परफॉर्मेंस उतनी ग्रेट तो नहीं कहूँगा, मुझे ही लग रहा है अपने एंड से कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप है। अच्छा डिप है परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में मतलब काम पूरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? काम पूरा नहीं हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है या फिर इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं काम में, क्या है? काम में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, काम उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ कि उतना फोकस नहीं, तो मैं वो लिए रहता हूँ सेम काम, है ना। हफ्ते हो जाते हैं, मेरे से बार बार पूछते हैं कि भाई इतना टाइम हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है, बाकी लोग करके दे रहे हैं ना, अच्छा तो मैं आधा टाइम घर पे कुछ दिक्कत है उसकी वजह से फोकस कर रहा हूँ, बाकी नहीं हो पा रहा कुछ सही से। तो मैनेजर से कुछ बताया, कुछ बात की, कुछ कुछ बोला है या नहीं? बस मैनेजर बोल रहा है कि काम नहीं हो रहा है, कुछ बोला है मैनेजर? मैनेजर को बताया था, ऐसे डर डर के गया था कि थोड़ा सा फोकस अभी थोड़ा कम हो रहा है काम में, तो वो बोला कि कुछ अगर हेल्प चाहिए हो तो टीममेट से कनेक्ट करो, और बताओ क्या सीनियर से तुम्हारी, बताओ मैं करा दूँ कुछ बात, तो लोग तुम्हारी हेल्प कर दें थोड़ी। क्या चैलेंज क्या है तुम्हारा, फेस क्या कर रहे हो, चैलेंज टेक्निकली कुछ फेस कर रहे हो, चैलेंज प्रॉब्लम कहाँ है, एट द एंड रूट कॉज बताओ, ये बोल रहा है मैनेजर। बाकी कह रहा है कि कुछ अगर ट्रेनिंग करनी है तो बताओ, कुछ हम तुम्हारे कूपन कोड्स वगैरह, वो जो वाउचर्स मिलते हैं ऑफिस से, कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवा देंगे, कुछ कुछ सर्टिफिकेशन कर लो अगर कोई दिक्कत आ रही तो, वर्क तो फ्रॉम होम कर लो कुछ दिन अगर घर की प्रॉब्लम आ रही तो, घर ऑफिस मत आओ भाई, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, देखो डिलीवरी तो हमारे काम सबके तो देखो ऊपर है। करना पड़ेगा, क्योंकि काम का ऐसा है ना कि जो आप काम करते हो उससे आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, जो कि मैंने हमने एकदम शुरू में बात किया था एक कुछ वीडियोस में। तो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, अप्रेजल होता है, अप्रेजल मीन्स आपका पैसा कितना बढ़ रहा है वो सब होता है। वो सब तो अच्छा लगता सुन के कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब काम अच्छा नहीं होता ना तो आप रेड जोन में आ जाते हो, नेगेटिव जोन में आ जाते हो। आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम तो सुना है मैंने, बहुत लोगों की भी लगी है वो, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, लोग ही लगी है। हाँ पी पिप आई बोलते पी हैं, पी आई पिप, पी पी आई बोलते पी, हैं यस पी आई पी। पी आई पी इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। प्लान। वो ऐसे नहीं आती है कि पी आई पी डायरेक्ट लगती है, पहले आपका परफॉर्मेंस देखते हैं लोग। उसके लिए ऐसा भी नहीं कि एंड ऑफ द ईयर का वेट करना है या परफॉर्मेंस रिव्यू का वेट करना है, नहीं। हो सकता है अभी आपका रिव्यू हुआ है, रेटिंग वेटिंग आई है और 2-3 महीने बाद आपने काम किया और आपका सडनली मैनेजर को लगा नहीं यार इसका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, अब इसका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, ये इतना डिलीवरी नहीं दे रहा है, काम इसका अच्छा नहीं है, इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, बग्स बहुत आ रहे हैं, फोकस लग ही नहीं रहा है, किसी से बात ज़्यादा नहीं करता है। तो वो क्या सोचेगा ना, पहले आपसे बात करेगा, पूछेगा, आपकी हेल्प ट्राई करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और आप उसके बाद भी अगर उसके सपोर्ट के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो वो ये बोलेगा यार नहीं होगा, ये लड़के का ध्यान कहीं और लग रहा है अच्छा ना? अच्छा ये जो परफॉर्मेंस मेजर करता है मैनेजर, वो रिलेटिव करता है, दूसरे को देख के कैसे मेजर करेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कम आ रही है, दूसरे की ज़्यादा आ रही है, हाँ क्या क्या तो क्या क्राइटेरिया रहता है। वो ऐसे ही है, कंपनीज का डिपेंड करता है, कंपनीज में किसी कंपनीज में सेम लेवल के लोगों को कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर आपका लेवल है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो जितने भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे आपके प्रोजेक्ट में पहले उनका कंपैरिजन होगा, फिर आपके प्रोजेक्ट जिस अकाउंट में होगा उस अकाउंट में जितने प्रोजेक्ट होंगे उनका कंपैरिजन होगा, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि आपका कंपैरिजन आपसे ही होता है, अच्छा मतलब आपको बोला गया कि आपका ये गोल है एट द एंड ऑफ द ईयर और आप अचीव कर गए तो गुड, और अचीव करने से जितना ऊपर लेके जाओगे उतना गुड, और अचीव नहीं कर पाए, जो नंबर्स डिफाइन हुए थे वो आप अचीव नहीं कर पाए तो आप माइनस में, नेगेटिव में, आप रेड जोन में। तो मैं बात कर रहा था कि जब अभी आपका अप्रेजल साइकिल ख़त्म हुआ है और आपने 2-3 महीने काम नहीं करा तो आपका मैनेजर आपको बोलेगा क्या हुआ, क्यों नहीं काम आ रहा है, आउटपुट दिख जाता ना, वो आउटपुट नहीं आता है तो वो बोलेगा कि नहीं यार सपोर्ट करने के बाद भी बंदा ना कर नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, नहीं लगता नहीं है कुछ करेगा ये, तो वो एक रिव्यू मीटिंग करेगा। अब बोलेगा कि बॉस आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान पर हम डालेंगे, उसका मतलब ये होता है कि एक साल के बीच में कहीं भी एक जब पीआईपी लगती है तो आपके लिए कुछ गोल डिसाइड कर देता है, मे बी फॉर एग्जांपल फॉर अ मंथ, एक महीने देगा टाइम, इस एक महीने में आपके ये गोल हो गए आपको अचीव करना है,
और आपको बोलेगा ये अचीव करोगे तो ठीक है आपका पीआईपी लग गई है, और अचीव नहीं कर पाए देन कंपनी आपको टाटा बाय बाय कर देगी, मतलब आपकी जॉब गई, देन आपको कंपनी वॉलंटरली रिज़ाइन करवाएगी। इसका इम्पैक्ट ये होता है बस पीआईपी का। लेकिन अगर पीआईपी क्लियर कर ली तो आप सेफ हो गए। पीआईपी एक और सिनेरियो में लगती है, ठीक है, जैसे आपका परफॉर्मेंस चला है साल में और अच्छा नहीं गया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है या अप्रेजल हो रहा है उस समय आपकी रेटिंग लिस्ट आ गई। ज़्यादातर कंपनीज में रेटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, उसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं बट वो इसी ऑर्डर में होती है। 5 मीन्स बेस्ट, 4 मीन्स वेरी गुड, 3 मीन्स गुड, 2 मीन्स फेयर, 1 मीन्स नीड्स इम्प्रूवमेंट। सिमिलर ऐसी रहता है सबके, सबके ऐसी रहता है सिमिलर टू दिस। तो 1 का मतलब है आप नेगेटिव जोन में हो, तब आपका पी आई पी लगेगा। 99% केस में आपका पी आई पी लगेगा। भाई साहब आपको पी आई पी की बड़ी नॉलेज है आपकी, लगी है क्या अभी? हाँ लगी है, एक बार तो लगी है और बहुत ज़बरदस्त लगी थी। अगर आप बोलें तो मैं किस्सा सुनाऊँ? किस्सा ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स भाई सामने, बिल्कुल हमारे सामने जो है एग्जांपल हमारे सामने। बस ऐसा मत करो, बुरा लग रहा है मुझे। अच्छी चीज़ का एग्जांपल नहीं है बट हाँ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस रीज़न से पीआईपी लग सकती है। वो इम्पॉर्टेंट है जानना, सिर्फ काम परफॉर्मेंस नहीं होता है। परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ काम नहीं होता उसमें। यही मैं एग्जांपल बताऊंगा अपने एग्जांपल में, जो मेरा स्टोरी है खुद का। तो ये स्टोरी है 2012 का। 2012 में मैं एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए, पहले मैं एक प्रोजेक्ट में था अपने फर्स्ट कंपनी में, तो वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो प्रोजेक्ट में क्या था कि सीनियर मैनेजर थे, मैनेजर थे, लीड थे, उस टाइम पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब लेवल होता, वो सेकेंड लेवल होता वो था मैं। और मैनेजर ने क्या बोला, सीनियर मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई, सीनियर मैनेजर मीटिंग बुलाई, सबको मीटिंग रूम बैठाया, सब बैठे, पता नहीं क्या बात करेगा सीनियर मैनेजर, इसने बुलाया है। अब सीनियर मैनेजर ने बुलाया था बात करने के लिए प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। अभी सब सोचने लगे क्या बात करेगा, ये तो ज्ञान देगा भाई, ज़्यादातर लोगों को ज्ञान लगता है यार, कितना बोल लो सब ज्ञान लगता है। आज हम बोलते हैं ना अपने अपने लोगों के लिए जो हमें रिपोर्ट करते हैं, उनको ज्ञान लगता होगा। तो हम सब सुनने बैठे और मैं उस प्रोजेक्ट में नया था, तब नया गया था मैं उस प्रोजेक्ट में। तो जब मैं बैठा, उन्होंने बोला कि, उन्होंने स्टार्ट किया सीनियर मैनेजर ने कि वी हैव सीन यू नो नो रादर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम पीपल, वी आर नॉट सीइंग दैट, यू गाइस टेल अस व्हाट डू यू वांट, वी विल इनेबल यू, वी विल गिव यू ट्रेनिंग्स, व्हाट एवर यू वांट, सब बातें उन्होंने की। तो उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल रखा, उन्होंने बोले माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल रखा, बोले माइक्रोसॉफ्ट में लोग एट एंड हाफ आवर्स में से 8 आवर्स का प्रोडक्टिविटी देते हैं। भाई वेरी डिफिकल्ट, वैसे अगर आप देखो तो काम हम लोग दिन भर करते हैं राइट, बट वो इफेक्टिव वर्क नहीं होता है। आप काम करोगे हाफ एन आवर, 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे, हाफ एन आवर काम करोगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे, डेढ़ घंटे का लंच ब्रेक ले लोगे, आप चेयर पे बैठोगे बट आप काम नहीं कर रहे होगे। तो वो टाइम देना और एक्चुअल प्रोडक्टिव होना में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम 8 आवर्स काम करते ना हम सब लोग, हाँ। तो उसका हार्डली प्रोडक्टिविटी आती 50% इन द बेस्ट केस राइट, उससे ज्यादा नहीं आती। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम जाता है, मीटिंग आप उससे ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी ला ही नहीं सकते हो। या आप पढ़ोगे उस पर आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। तो अब आते हो स्टोरी पे, तो वो सीनियर मैनेजर बोला कि माइक्रोसॉफ्ट में 8.5 आवर्स में 8 आवर्स का प्रोडक्टिविटी आता है, व्हाई कांट वी ब्रिंग इन दैट प्रोडक्टिविटी। अभी मैं वहाँ पे बैठा, मैं तो थोड़ा सा शुरू से मैं, मेरा रहा है कि मैं लोगों के बहुत कुछ कर देता हूँ, तो आई वॉज लाइक, बोले किसी क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा किसी को क्वेश्चन है, कुछ बोलना है, मैंने बोला हाँ मुझे बोलना है। तो मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट अगर वहाँ पे, पहली बात तो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव दैट माइक्रोसॉफ्ट पीपल दे डिलीवर प्रोडक्टिविटी ऑफ 8 आवर्स आउट ऑफ 8.5 आवर्स। एट द सेम टाइम आई फील दैट माइक्रोसॉफ्ट पेज वेरी वेल एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग पेड हियर। ओ माय गॉड, अभी मैंने ये जब ये बोला तो बहुत सारे जितने सब बैठे थे मीटिंग में सब हंस दिए। अब भाई वो हंस दिए, मैंने थोड़ी जोक माना था, मे बी मेरा स्टाइल बोलने का वैसा रहा होगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बस। right, right. वो लोग हंस दिए। अब ये सीनियर मैनेजर को हिट हो गई,
उसके ईगो को लग गई। अब उसके ईगो को लग गई तो वो क्या करता, उसने उस समय बात संभाली, बात करके निकल गया। उसके एक घंटे बाद मेरा जो टीम लीड था वो मेरे को मीटिंग रूम में लाया। मैंने कहा अच्छा चलो, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी सीनियर मैनेजर के सामने। मैंने बोला यार मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने बात ऐसी करी लॉजिकल, आप इधर कम पे करोगे तो आप ज़्यादा काम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कंपेयर कर रहे हो तो आप सब कुछ कंपेयर करोगे, आप सिर्फ वो चीज़ थोड़ी कंपेयर करोगे जो आपको अच्छी लग रही है या जो आप चाहते हो, बाकी आप कुछ कंपेरिजन नहीं करोगे। करेक्ट, तो गलत है ना। तो मैंने वो बोल दिया, हाँ मैं मानता हूँ कि चलो मेरे बोलने से लोग हंसे, उसको हिट हुआ, बट देन मैंने भी तो इतना कुछ गलत नहीं बोला। सो द कंपैरिजन हैज टू बी ऑन द फेयर ग्राउंड्स, राइट? यस, इट हैज टू बी ऑन द फेयर ग्राउंड्स, जो कि नहीं था। अब मेरा लीड बोला नहीं यार वो इतने सीनियर हैं, वो सीनियर मैनेजर के सामने आपने ऐसे बोल दिया, लोग हंस दिए, तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने कहा उन्होंने कुछ बोला है क्या? बोले नहीं उन्होंने नहीं बोला है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला था, बाद में पता चला मुझे, उन्होंने लीड को बोला। अब ये बात तो हो गई, ये बात चली गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि शाम को काम कर रहा था मैं लेट ऑफिस आवर्स में, सबको करना पड़ता है आईटी में यार लेट ना, तो मैं काम कर रहा था बैठ के, सेवन पीएम तक हो रहा था शाम का। अच्छा हमारे उस कंपनी में ना ओडीसी के अंदर जो डेवलपमेंट सेंटर होता है उसके अंदर चाय कॉफ़ी लाना मना होता है, कुछ भी खाने पीने वो लाना मना होता है, बाहर जाके पी के आओ, पानी भी बाहर जाके पी के आओ। तो मैं क्या, मैं चाय लेके आ गया, तो मैं चाय पी रहा था, वो आ गए सीनियर मैनेजर राउंड लगा, तो वो राउंड लगाते हुए आ गए और बोले हाय हाउ आर यू। तो मैंने बोला आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम गुड। बोले क्या चल रहा है? मैंने कहा ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना डिले हो रहा है तो उसको डिलीवर करना है, इसलिए आज थोड़ा लेट तक बैठ काम करूँगा। तो बोले अच्छा वो तो ठीक है, बट आपको पता ना चाय कॉफ़ी लाना मना है ओडीसी में। अच्छा हाँ आई नो, वर्किंग आवर्स में मना है तो नहीं लाता हूँ मैं अभी, बट अभी कुछ काम में फंसा हूँ तो मैं ले आया सोच के कि टाइम ख़राब होगा मेरा, इधर ही टाइम लगा दूँगा, पीते पीते काम कर लूँगा। बोले नहीं 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 आप ना इसको नहीं, अलाउड नहीं है। और थोड़ा सा उन्होंने मुझे फील हुआ कि थोड़ा उन्होंने रूडली बोला। मैंने कप उठाया चाय का, हाफ था उसमें, हाफ पी चुका था, कप उठाया और नीचे डस्टबिन था, फेंक दिया। भाई उनका एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड, मैंने उठा के फेंक दिया। अब वो देखे मेरी तरफ, मैंने उनकी तरफ देखा, काम करने बैठ गया अपना, चले गए। ये सेकंड इंस्टेंस था। उन्होंने मेरे को एक असाइनमेंट के लिए पुणे भेजा, बोले इसी प्रोजेक्ट में एक रिलीज आनी है, उसके लिए पुणे से काम करना है आपको। मेरे को भेज दिया भाई, मैं तो काम अच्छा कर रहा था, इसलिए उन्होंने भेजा मेरे को, मैं गया पुणे, गया काम किया मैंने। और चार महीने बाद अप्रैल साइकिल ख़त्म हो गई और मेरा अप्रेजल आ गया। मैं उसके पहले जस्ट प्रमोट हुआ था, एक्चुअली मैं एसएससी लेवल पे था, सॉरी मैंने ऐसे ही बोला, मैं एसएससी लेवल पे था, मैं लास्ट ईयर प्रमोट हुआ था। और इस साल मैंने जब रेटिंग देखा तो मेरी रेटिंग लोएस्ट रेटिंग आई। आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव बॉस, मैं काम कर रहा था, आपने मेरे को यहाँ भेजा बिकॉज आई वॉज डूइंग गुड वर्क, अभी आप बोल रहे हो आपका रेटिंग लीस्ट है, मैं लास्ट ईयर प्रमोट हुआ बॉस, आप कौन से बेसिस पे आप मेरी लीस्ट कर दी रेटिंग? तो उन्होंने बताया कि नहीं आपके पीयर्स में कंपेरिजन हुआ है, ऐसा हुआ है, उनका काम ज़्यादा। जब मैंने क्वेश्चन पूछा ना उनसे, तो जो मेरा मैनेजर था, जो मैनेजमेंट था, दे कुडंट गिव प्रॉपर आंसर्स, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं था। द बेसिस बिहाइंड माय पीआईपी वाज माय दी माय डिबेट और माय कॉन्वर्सेशन विद सीनियर मैनेजर, वो भी एक रीजन बना। बट दिस इज नॉट फेयर इफ यू सी, राइट? आप अगर राइट क्वेश्चंस पूछो, पहले वो बोलते हैं कि आप सही सवाल पूछो, राइट क्वेश्चंस पूछो, अपने पुटअप करो, जब आप पूछते हो तो कहीं ना कहीं उनको पर्सनल लेवल पे लग जाती बातें, राइट? एवरीथिंग इज, आपका कहना सही है, एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल, बट ऐसा होता नहीं ना, वी ऑल आर ह्यूमंस, आई अंडरस्टैंड। सी बीइंग सीनियर मैनेजर, ही शुडंट हैव डन दैट, ही शुड हैव शोन मच मच मोर मैच्योरिटी, जो नहीं दिखाई उसका इम्पैक्ट मेरे पर आया। तो क्या हुआ कि वो जब हुआ लोएस्ट रेटिंग आई, मैं काम कर रहा था, तो मेरे एक वहाँ पे मैनेजर थे पुणे में, वो दो महीने बाद मेरे को बोले यार अमित आपका ना एचआर से मीटिंग होगा एक। मैं घबरा गया, मैं अंदर से घबरा गया यार क्यों होगा, बिकॉज आई वॉज दी यू नो, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता था, मम्मी पापा को उनका इलाज बीमारी, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा एचआर से क्यों होगा भाई? तो बोले यार वो आपका लोएस्ट रेटिंग आई तो आपकी ना पीआईपी का बात होगा। मैं पीआईपी में घबरा गया, पीआईपी सुन के लोग घबरा जाते थे, पीआईपी बहुत बड़ी चीज़ है बॉस, पीआईपी का मतलब आप गए, पीआईपी का मतलब आप टर्मिनेट, आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी जॉब खत्म। तो अब मैं सोचने लगूँ, तो बोले आप घबराओ मत, आई विल बी देयर। मैं पीआई में मीटिंग में गया, एचआर ने मेरे को बोला, बोले ये आपके वो हैं ना गोल्स, और जब मैंने गोल्स देखे ना तो गोल्स मेरे वो थे जो मेरा मैनेजर मुझसे एक महीने पहले से बोल रहा था मैं आपको ये करना है,
मैंने उसकी तरफ देखा, मैनेजर की तरफ, उसने मेरी तरफ देखा, उसने हल्का सा स्माइल दिया, मैं समझ गया कि दिस गाय इज हेल्पिंग मी, इस गाय इज सपोर्टिंग मी। जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद मेरे को बोला, अमित देखो जो मैंने तुमको बोला था ना करने को काम, उसमें यही लिखा है, तो डोंट वरी, तुम जैसा अभी काम कर रहे हो ना ऐसे करते रहो, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल गो वेल। चलो ठीक है, मैं करता रहा, एक महीना किया मैंने, उसके बाद उन्होंने मेरी PIP सक्सेसफुल मार्क करा दी, मैं बच गया, आई वॉज सो रिलैक्स्ड, मेरा PIP से बाहर निकल गया हूँ मैं, और उसके बाद मैंने चैन की सांस लिया, बिकॉज मेरे पास डिपेंडेंसी बहुत थी। और क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास के लोगों में और लोअर मिडिल क्लास के लोगों में डिपेंडेंसी बहुत होती है हमेशा से, तो हमको ये लगता है नहीं यार ऐसे जैसे जैसे जॉब मिली है ऐसे नहीं छूटनी चाहिए, है ना। और जब हम स्टार्ट करते हैं किसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो हमको अपनी स्किल्स पे भी हमेशा एक डाउट रहता है कि यार हमारी इस काम तो किया है बट पता नहीं कितना काम किया है, कोई हमको लेगा नहीं लेगा, आता है सही से नहीं आता है, बिकॉज सब कुछ ऑन जॉब सीखते हैं, राइट है ना। तो वो बहुत एक अपनी कैपेबिलिटी पर सवाल रखता है हमेशा, ऑल दो आप बहुत सारा काम कर लोगे बट अपनी कैपेबिलिटी पर एक शक रहेगा, आपको डाउट रहेगा हमेशा, है ना। तो वो था मेरे को बहुत। और जब मैंने, और वैसे भी ऐसा होता है कि आप काम कितना भी कर लो लेकिन जब आप इंटरव्यू का थोड़ा अलग रहता है, फाइटर क्वेश्चंस अलग पूछते हैं, वो आपके डे टू डे लाइफ में उतना ज्यादा हो सकता है थ्योरेटिकल या फिर वो टर्म्स ना यूज हो। और हमको तो लगता था हम जॉब चेंज नहीं कर सकते उस समय, मतलब हमको लगता था अभी हम उस लाइक बने ही नहीं है, ऑल्दो हमको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, हमको लगता नहीं था हम बने हैं। फिर PIP जब फिनिश हुई, ईयर खत्म हुआ, मेरा एवरेज रेटिंग आई उस साल, एवरेज रेटिंग आई, उसके बाद मैंने और काम किया, उसके नेक्स्ट डे मेरी बेस्ट रेटिंग आई फिर से, और मैं प्रमोट हो गया। मैं प्रमोट हुआ SSC रे टीम लीड, नाइस, अंडर द सेम सीनियर मैनेजर, अंडर द सेम मैनेजर थिंग्स। मैं एक साल पहले मैं प्रमोट हुआ था बेस्ट रेटिंग से, अगले साल मेरी रेटिंग लिस्ट हो गई, फिर मेरी रेटिंग एवरेज आई, फिर मेरी रेटिंग बेस्ट आई फिर से। सो व्हेन यू गॉट द बेस्ट रेटिंग डिड यू बैंग द डोर इन फ्रंट ऑफ दैट सीनियर मैनेजर और नो? नो नो बट देन नॉट द मैनेजर, मे बी आई लर्न माय लेसन, और मे बी यू गॉट द लेसन इज, हां लेसन इज नॉट दैट कि आई शुड बी बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन और आई शुड नॉट बी पुटिंग माय वर्ड्स, रादर पुटिंग माय वर्ड्स इन अ वे व्हिच यू नो व्हिच आर एक्सेप्टेबल और व्हिच आर यू नो व्हिच आर वेरी प्रोफेशनल, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मैंने लेसन लिया, ठीक है ना। तो इट्स लाइक होता है यार हम लोगों में, हम लोग कॉलेज से जब आते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो बहुत सारा हमारे ह्यूमर होता है, हम लोग सटायर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ आपका काम नहीं होता परफॉर्मेंस के अंदर, आप किस, आप सीनियर से कैसे बात कर रहे हैं, आप किससे कितना झगड़ा करते हैं, आपने किसको कितना हेल्प किया है, कितना हेल्प नहीं किया है, एवरीथिंग काउंट्स इन परफॉर्मेंस। ओके, सो इफ आई हैव टू समराइज दिस पॉडकास्ट फॉर आवर व्यूअर्स, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परफॉर्मेंस सिर्फ आपका कोडिंग स्किल्स या फिर टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, ना सिर्फ वो नहीं होता ना, दूसरा ये कि आप प्रोफेशनली बात करें जब भी बात करें, yes, you got to be careful, you have to be little careful, है ना। कई बार हम लोग कॉलेज का स्लैंग ये वो निकल जाता है मुंह से, देख रहे हैं, wow, celebration हो गया, तो कई बार वो स्लैंग निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो होप ये वीडियो हमारे व्यूअर्स काफी कनेक्ट कर पाएंगे, अगर जिन भाइयों के साथ हमारे ऐसा कुछ होता है तो परेशान होने की कोई दिक्कत मतलब जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, यू नो आप चाहें तो हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कनेक्ट भी कर सकते हैं फॉर श्योर, आपको आपको बताने के लिए इतना एक्सपीरियंस के लेके आए हम, आपको बताने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हम एनी टाइम रेडी हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, यू नो यस टू सपोर्ट अस, राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।